अगर आप इस तरीके से दोस्तों करेंगे तो अगर आपका चैनल डेड होगा या फ्रीज होगा तो वापस से आपका चैनल रैंकिंग में आ जाएगा, वापस से आपके चैनल को रिकमेंड करने लगा जाएगा, वापस से आपके व्यूज बढ़ने लगेंगे, वीडियो को रिकमेंडेशन में भेजा जाने लगेगा। जो लोग चैनल बना के छोड़ देते हैं अनजाने में या जानबूझ के, तो उनका चैनल फ्रीज या डेड कर दिया जाता है। फिर से जब वो अपलोड करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, फिर से उनके चैनल पर व्यूज ही नहीं जाते हैं, उनका चैनल ग्रो ही नहीं होता है, तो क्या ही फायदा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं YouTube पे जो YouTube पे चैनल तो बना लेते हैं लेकिन उसके बाद कुछ वीडियो अपलोड करने के बाद 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1-1 साल तक चैनल को छोड़ देते हैं। फिर से जब कोई YouTube पे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो फिर से उनको लगता है कि हमें YouTube पे वीडियो अपलोड करना चाहिए, अब हम YouTube से पैसा कमा सकते हैं, और फिर से वो अपने YouTube चैनल पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, आपका चैनल या तो फ्रीज हो जाता है या तो डेड हो जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब आप अपने YouTube चैनल को बनाते हैं उसके बाद अगर आप रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड करते हैं अपने चैनल पे तो आपका चैनल डेड या फ्रीज हो जाता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आपका चैनल भी अगर फ्रीज हो गया है या फिर डेड हो गया है तो आप अपने चैनल को अनफ्रीज या फिर वापस से अपने चैनल को बूस्ट कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपके चैनल पे व्यूज जाए, आपका चैनल ग्रो हो, ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन में आपकी वीडियोस को यूट्यूब भेजे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ये सारी चीजें बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं पहले तो हम ईमेल आईडी बनाते हैं अपने मोबाइल में, और उसके बाद उस ईमेल आईडी से जब हम अपना यूट्यूब ओपन करते हैं वहां पे अनजाने में बहुत लोग क्या करते हैं कि क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देते हैं। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोगों का चैनल 2016 में 12 में 18 में बना हुआ है और वो कहते हैं कि नहीं सर हमारा चैनल तो 2022 में बना हुआ है, हम 2022 से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपको बहुत बार नहीं पता चलता है आपका चैनल 2018 2016 2012 में ही बन चुका है, उसी समय आपने क्रिएट चैनल कर दिया है, लेकिन आपने वीडियो भले ही 2022 से या फिर 2021 से या फिर 2023 से अपलोड करना शुरू किया होता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि चैनल फ्रीज हो जाता है। अब आप कितनी भी वीडियोस अपलोड कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए उस चैनल पे, वो चैनल ग्रो नहीं होगा, व्यूज नहीं जाएंगे उस वीडियो पर। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम चैनल को अनफ्रीज कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा चैनल फ्रीज है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं कोई भी चीज आपको बताता हूँ इस चैनल पे तो काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, काफी शोध करने के बाद, काफी जानकारी लेने के बाद, सोचने समझने के बाद ही आपको जानकारी देता हूँ। अब मान लीजिए कि आपका चैनल फ्रीज हो और आप चैनल पे काम किए जा रहे हैं तो क्या फायदा होगा, आप करते रह जाएंगे काम 6 महीना 1 साल 2 साल, फिर आप लास्ट में जब आप थक जाएंगे हार जाएंगे तो आप चैनल को छोड़ देंगे। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने चैनल को वापस से अनफ्रीज कर सकते हैं, अगर डेड है तो आप अपने चैनल को वापस से बूस्ट कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज जाएंगे आपके चैनल। सबसे पहले देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, आपको भी अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर ही आपको अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है। मैं मोबाइल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल यूजर हैं, मोबाइल से यूज करते हैं और मोबाइल से ही वीडियोज बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपने चैनल को लॉगिन कर लिया, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने अपने एक पुराने चैनल को लॉगिन किया है, ठीक है, जिसपे मैं अभी काम नहीं करता हूँ, उस चैनल को यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, इस तरीके से डेस्कटॉप मोड में अपने चैनल को कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको जाना है योर चैनल में, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो कब अपलोड किया गया है, यहाँ पे देखिए 5 महीने पहले लास्ट वीडियो जो है सो यहाँ पे अपलोड किया गया है, उसके पहले जो है सो 10 महीने पहले अपलोड किया गया है। तो चैनल पे वीडियोस ना अपलोड करने के कारण चैनल फ्रीज हो जाता है या तो फिर डेड हो जाता है। अब मैं आपको इसका क्रिएटर स्टूडियो भी ओपन करके दिखाऊंगा क्योंकि जब आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा या डेड हो जाएगा तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपके रेवेन्यू धीरे धीरे घटने लगेंगे, डॉलर्स जो है सो घटना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका चैनल मान लीजिए फ्रीज है या डेड है तो आपके जो वॉच टाइम है वो भी यहाँ पे घटना शुरू हो जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर भी घटना शुरू हो जाएंगे। तो आपको समझ में नहीं आता है लेकिन आप वीडियोस अपलोड किए जाते हैं और बाद में पता चलता है कि चैनल ही फ्रीज है,
तो क्या फायदा वीडियो अपलोड करने का, कितना भी वीडियो आप अपलोड कर दीजिए चैनल आपका ग्रो नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आपको यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो ओपन करके दिखाता हूँ इस चैनल का, जिसमें आप देखेंगे कि 5 महीने इस चैनल को छोड़ने के बाद क्या हाल हो गया है इस चैनल का। देख सकते हैं वॉच टाइम जो है 8.6 जो है यहाँ पे मात्र है, जबकि इसका वॉच टाइम जो है लगभग कंप्लीट हो ही चुका था। यहाँ पे व्यूज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 382 व्यूज है, ठीक है, और वो भी डाउन ही जा रहा है। 4,500 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन यहाँ पे चैनल को छोड़ने के बाद आप स्थिति देख सकते हैं। तो ये चैनल लगभग फ्रीज हो चुका है। इसको अनफ्रीज करके दिखाएंगे कैसे इसको अनफ्रीज करना है, और कैसे आपका भी चैनल अगर फ्रीज है तो आप उसे अनफ्रीज करके उस पर वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है आपको कस्टमाइज चैनल में। ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है क्रिएटर स्टूडियो बेटा वर्जन में, मतलब कि यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगा। इस तरीके, देखिए इस तरीके से खुल गया। अब आपको पहला काम जो करना है, यहाँ पे आपको जो पहला काम करना है वो आपको आ जाना है बेसिक इन्फॉर्मेशन में। बेसिक इन्फॉर्मेशन में दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अपने चैनल का नाम चेंज करना है, पूरी तरीके से नहीं, अगर आप चाहें तो पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा चेंजेज आपको अपने नाम में जरूर से जरूर करना है। मान लीजिए जैसे मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट नित्या, ये जो है मान लीजिए नाम लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, मान लीजिए यहाँ पे आपको करना है एक यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, या फिर यहाँ पे एक फोटो एक इमोजी लगा सकते हैं, अगर चाहे तो इस तरीके से इमोजी लगा दीजिए, जिससे कि आपका नाम जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो दूसरा भी पूरा भी नाम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं नाम को चेंज करना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज जरूर करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये इमोजी लगा दिया तो थोड़ा सा चेंज हो गया। उसके बाद आपको अपने चैनल के हैंडल को भी चेंज करना जरूरी है। यहाँ पे जो भी आपका चैनल हैंडल हो, यहाँ पे भी आपको एक डॉट लगा देना है, जिससे कि आपका चैनल का हैंडल भी चेंज हो जाएगा। अब थर्ड चीज जो है यहाँ पे चैनल का डिस्क्रिप्शन। बहुत लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, हालांकि डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे चैनल अनफ्रीज करने के लिए चेंज करना बेहद जरूरी है। कैसे चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन, कोई भी एक लाइन जो है थोड़ा सा चेंजेज करके आपको सेव कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 50 से 100 वीडियोज होने चाहिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 100 से 150 वीडियो, 100 से 150 वीडियो होने चाहिए, इस तरीके से हमने चेंज कर दिया। ये तीन चीजें आपको 100% चेंज कर देनी है, लेकिन इससे आपका चैनल अनफ्रीज नहीं होगा, इतने से नहीं होगा, ये चीजें करनी है। इसके बाद भी और कुछ चीजें हैं जिसको करना बेहद जरूरी है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जो है सो पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो इतना आपका जो है सो प्रोसेस हो जाएगा। अब आपको सेकंड चीजें क्या करनी है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे अब आपको सबसे नीचे आ जाना है, ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, देखिए सेटिंग का, इस तरीके से। इस सेटिंग में ही मेन चैनल अनफ्रीज करने का राज छुपा हुआ है, कैसे आप अपने चैनल को अनफ्रीज कर सकते हैं, यहीं से सारी चीजें होती हैं। और एक बार आपने अपने चैनल को अनफ्रीज कर लिया, उसके बाद आपका चैनल जो है सो चलने लगेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आज आपने चैनल अनफ्रीज किया और आप चाहेंगे कल ही मैं वीडियो डाल दूं और कल से ही मेरा वीडियो चलने लगे, कल से ही मेरे वीडियो पर लाखों में व्यूज आने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ पहली चीज कि जब आप अपने चैनल को अनफ्रीज कर लेते हैं, एक हफ्ते तक आपको वीडियो अपलोड नहीं करनी, एक हफ्ते के बाद ही आपको वीडियो अपलोड करना है, ताकि एक हफ्ते में पूरी तरीके से आपका चैनल अनफ्रीज हो जाए। कम से कम एक वीक का समय लगता है, एक वीक में आपका चैनल अनफ्रीज हो जाता है, फिर आप वीडियोस को अपलोड करिए, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपके चैनल का SEO होगा, ऑटोमेटिक आपकी चैनल रैंकिंग में जाएगी, ऑटोमेटिक आपके व्यूज जो है वीडियो जो है रिकमेंडेशन में जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक वीक के बाद। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपलोड डिफॉल्ट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे उसके बाद चैनल पे आ जाना है, ठीक है। मेन आपके चैनल के ही पहले सेटिंग्स करनी होंगी, जिससे कि आपका चैनल अनफ्रीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीवर्ड्स जो है सो डाले हुए हैं, जो भी आपने चैनल का कीवर्ड डाला होगा, आपने
चैनल के हिसाब से डाला होगा। मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है नित्या के सपोर्ट, तो यहाँ पे नित्या के सपोर्ट जो भी आपने डाला होगा अपने चैनल से रिलेटेड डाला होगा। अब आपको क्या करना है कि सारे कीवर्ड्स यहाँ पे इस तरीके से हटा लेने हैं, सारे कीवर्ड्स हटा लेने हैं, और आपको क्या करना है कि सारा कीवर्ड चेंज करके डालना है। कैसे डालना है? सबसे पहले अपने चैनल का नाम डालना है, ठीक है। नित्या के सपोर्ट मान लीजिए इस चैनल का नाम है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया नित्या के सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या करना है कि नित्या के सपोर्ट में एक कॉमा जरूर लगा देना है या एक डॉट जरूर लगा देना है, जिससे कि पहले जो आपने कीवर्ड लिखा था अपने चैनल से रिलेटेड वो कीवर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, जिससे कि वो स्लॉट में नहीं दिखेगा जिस जहाँ पे आपका चैनल फ्रीज हो चुका है, जहाँ पे यूट्यूब ने आपके चैनल को फ्रीज करके उस डस्टबिन में डाल दिया है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि YouTube पे सर्वर है, ठीक है, उसी सर्वर पे सारी वीडियोस अपलोड होती है, उसी सर्वर पे सारी की वीडियो चलती है। तो YouTube देखता है कि जिन चैनल पे वीडियोस नहीं अपलोड किए जा रहे हैं, जिन चैनल पे काम नहीं किया जा रहा है, उन्हें सर्वर पे रख के क्या ही फायदा। सर्वर पे तो वो रहता है लेकिन उसका कोई काम नहीं रहता, उसमें सर्वर काम नहीं करता आपके चैनल में, एक तरीके से वो डस्टबिन में, एक तरीके से फ्रीज वाले स्लॉट में डाल देता है, जिससे कि YouTube का सर्वर बहुत ज्यादा वहां पे लोड नहीं पड़ता है। पहली चीज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो चैनल बना बना के कुछ वीडियोस अपलोड करके छोड़ देते हैं, सीरियस नहीं रहते हैं चैनल को लेकर। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एडसेंस में भी जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया है, जो लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम तक उनके व्यूज नहीं जा रहे हैं, पेमेंट बहुत टाइम तक आ रहा है, 6 महीने पे 7 महीने पे, तो यूट्यूब चैनल को छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद क्या होता है कि 6 महीने 1 साल तक अगर वो एडसेंस से पेमेंट नहीं लेते हैं, यूट्यूब से पेमेंट नहीं लेते हैं, तो उनका एडसेंस अकाउंट भी बंद कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है एडसेंस अकाउंट। क्योंकि जब वो पेमेंट लेंगे ही नहीं तो उनका एडसेंस अकाउंट रख के क्या होगा, गूगल क्यों एडसेंस अकाउंट रखेगा जब उस एडसेंस अकाउंट से पे आउट ही नहीं होगा 6 महीने 1 साल तक, मतलब कि आप एक्टिव नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से यूट्यूब पर भी चैनल आपका फ्रीज कर दिया जाता है जब आप रेगुलर काम नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सेकंड चीज क्या करनी है, पहली चीज आपने कर दी। अब यहाँ पे अपने कैटेगरी के जितने भी बड़े चैनल हैं, जैसे मान लीजिए मेरा YouTube टिप से रिलेटेड है, मेरे चैनल की बड़े कैटेगरी है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं, जैसे कि मनोज दे है, ठीक है, उसका चैनल का यहाँ पे नाम डाल दिया, टेक्निकल योगी है उसका नाम यहाँ पे हमने डाल दिया, और भी बहुत सारे चैनल के नेम हैं जो कि आपके कैटेगरी में बड़े हैं। मान लीजिए आपका कुकिंग का कैटेगरी है तो कुकिंग में बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स होंगे, अगर आपका व्लॉगिंग है तो व्लॉगिंग में बहुत बड़े बड़े चैनल्स होंगे, उनका नाम यहाँ पे डालना है। इससे क्या होगा कि आपका चैनल जो है ऑटोमेटिक 7 दिन में रिकमेंडेशन में जाने लगेगा, आपकी वीडियो जो है ऑटोमेटिक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तब आपको नजर आएगा कि हाँ अब हमारा चैनल में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है। लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 10 चैनल के नाम डालने हैं, और यहाँ पे अपना भी नाम इंक्लूड होना चाहिए आपके भी चैनल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से सेव कर देना है। जब आप इस चीज को सेव कर देंगे तो सेव करने के बाद यहाँ पे आप नीचे में आएंगे तो फिर से आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करनी है। वापस से आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इस बार आपको अपलोड डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको आप ध्यान से समझिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन में टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें क्या होता है कि अपलोड डिफॉल्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने जो टाइटल डाल दिया, जो डिस्क्रिप्शन डाल दिया, जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो यही टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी दिखाया जाएगा। ये इसलिए होता है कि लोगों का टाइम बचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें मेनली एडवांस सेटिंग में काम करना है। अब एडवांस सेटिंग में क्या चीजें करनी है यहाँ पे ध्यान से समझिए, जिससे आपका चैनल अनफ्रीज हो जाएगा पूरी तरीके से। सबसे पहला जो काम आपको करना है यहाँ पे अपने कैटेगरी को चेंज कर देना है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सर कैटेगरी को ही चेंज कर देंगे तो फिर हम उस कैटेगरी पे काम कैसे करेंगे। सिर्फ 7 दिन के लिए आपको अपने कैटेगरी को चेंज करना है। 7 दिन में क्या होगा कि जैसे ही 7 दिन हो जाएंगे, आप 8वें दिन वीडियो डालेंगे, उस टाइम पे आपको वापस से वही कैटेगरी कर लेनी है जो आपके चैनल का कैटेगरी हो। लेकिन 7 दिन तक अगर आप दूसरे की कैटेगरी रखेंगे तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक चैनल अनफ्रीज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मैंने गेमिंग कर दिया, कॉमेडी कर दिया, कोई भी आपको अदर यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेनी है, पहली चीज। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज है यहाँ पे लैंग्वेज को भी आपको दोनों चेंज कर लेना है, वीडियो लैंग्वेज भी और टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी यहाँ पे चेंज कर लेना है। कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी लैंग्वेज ना हो,
इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपको जो है यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ 7 दिनों के लिए। जैसे ही 7 दिन हो जाएंगे आपको वापस से यही वीडियो लैंग्वेज और यही टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज वापस से आपको डाल देना है, जो पहले था आपका। जैसे हिंदी था तो हिंदी डाल देना है, इंग्लिश था तो इंग्लिश डाल देना है। अगर आप टाइटल डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश, अगर हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी, और वीडियो लैंग्वेज अगर आपका हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश। इतना काम आपको कर देना है और वापस से आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही कर लेना है, जो आपका वापस से था, लेकिन 7 दिनों के बाद। और उसके बाद आपको अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना है। अगर आप इस तरीके से दोस्तों करेंगे तो अगर आपका चैनल डेड होगा या फ्रीज होगा तो वापस से आपका चैनल रैंकिंग में आ जाएगा, वापस से आपके चैनल को रिकमेंड करने लगा जाएगा, वापस से आपके व्यूज बढ़ने लगेंगे, वीडियो को रिकमेंडेशन में भेजा जाने लगेगा। कभी भी दोस्तों आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे चैनल जब बनते हैं, जो लोग रेगुलर काम करते हैं उनका चैनल जो है ग्रो हो जाता है, लेकिन जो लोग चैनल बना के छोड़ देते हैं अनजाने में या जानबूझ के, तो उनका चैनल फ्रीज या डेड कर दिया जाता है। फिर से जब वो अपलोड करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, फिर से उनके चैनल पर व्यूज ही नहीं जाते हैं, उनका चैनल ग्रो ही नहीं होता है, तो क्या ही फायदा। तो ये था दोस्तों पूरा तरीका जिससे आप अपने चैनल को अनफ्रीज कर सकते हैं, डेड अगर है तो वापस से जो अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर इस तरीके को अगर आप सही तरीके से आजमा लेते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं, तो अगर आपका चैनल फ्रीज होगा तो अनफ्रीज हो जाएगा और वापस से आपके चैनल पर व्यूज जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आपको अपने कंटेंट पे, अपने थंबनेल पे, अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग पे भी ध्यान देना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने चैनल को अनफ्रीज कर लें और उसके बाद वीडियो ढंग के नहीं डाल रहे हैं या फिर ढंग की थंबनेल नहीं बना रहे हैं तो व्यूज जाने लगेगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपको कंटेंट पे भी ध्यान देना होगा और साथ ही साथ आपको अपने थंबनेल पे भी ध्यान देना होगा। ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनानी होंगी जिससे कि आपके वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ऐसे ही YouTube रिलेटेड जानकारी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।